Of course, you know, इस बार भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, I'm sure. तो सबसे पहले बुला लेते हैं कुड़ी और मुंडे नु, हाँ, जोरदार तालियां हो जाए, come on यार, ओ यार कुड़ी और मुंडे के लिए तालियां हो जाए यार, come on. Make some noise for सनी पाजी and of course सोनाली here. Welcome, welcome, welcome. क्या हो रहा है यार ये मतलब मोगैम्बो और ऐसे डरावनी वाली मम्मी यहाँ पे आ गई है, मतलब क्या हो रहा है? I think वो डरा डरा सा लग रहा है. मैं डरा डरा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूँ कि गब्बर और मोगैम्बो वो ऊपर ऊपर से होती हैं, अंदर से वो जयवीरू होते हैं. हाँ, वो उतना ही प्यार होता है, बस वो दिखाते हैं. हाँ, ये अच्छी अच्छी बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि हमें लग रहा है परमिशन मिल गई होगी यहाँ पे. 17 जनवरी को पता लगेगा शादी होती है नहीं होती है. मुझे बोलो ऐसे छितर पड़े हैं सही रियल लाइफ में कभी? बहुत पड़े हैं यार. हाँ, एग्जाम्स पे पड़े हैं, आई थिंक जब पैसे लेने होते हैं तब पड़े हैं. हाँ, तो पैसे पापा से लेते नहीं थे. हाँ, तो मम्मी के वाया मम्मी से जाते थे. हाँ, तो पैसे तब मिलते थे. और ऐसे वाले मामलों में, ऐसे वाले मामलों में मम्मी समझ जाती है, बोलती नहीं है. अच्छा, बट हो जाता है. हो जाता है. यहाँ बहुत वोकल है मम्मी, बहुत कुछ बोल रही है. यहाँ मम्मी तो अलग अलग कर रही है, है ना, अलग अलग कर रही है. बदलिहाज आपको बोला है और झुड्डू आपको बोला, क्या 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 मतलब होता है और क्यों बोला है बताइए? इतने अच्छे अच्छे लोगों को ये सब बोला जा रहा है, मतलब अब मैंने तो बहुत लिहाज किया है. हाँ, मतलब पीकेपी 2 से इसका लिहाज ही करते हुए आ रही हूँ. तो अब ठीक है, अब बोलेंगे बदलिहाज बोल लो. हाँ, और झुड्डू, अब ये झुड्डू तो है ही ना, व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट. वो इसने प्यार से बोला झुड्डू. अच्छा, मैंने वो दिल से मानती नहीं. मेरी मम्मा बोलती थी और वो सामने बैठी है, तो मेरी हिम्मत तो कुछ नहीं है अभी. हाँ, करने की. इसकी मम्मी आज आई नहीं है, तो इसका जो मन करेगा बोलेगा. अरे मम्मी नहीं आई? मेरी मम्मी नहीं आई. अभी अभी पता लगाते हैं उनके बारे में भी, क्या हुआ कैसे हुआ. लेकिन उससे पहले सुनो, एक काम तो करना बनता है. देखो, यहाँ सबकी दिल की ख्वाहिश है कि जैसे मम्मियों ने उठा रखा है ना, एक बार आपको एक दूसरे को ऐसा उठा के दिखाना पड़ेगा. प्रूफ तो दे दो यार, एक दूसरे को, दोनों को. मैं नहीं उठाने वाली. ट्राई करते ना, कुछ अलग करते. चलिए करिए. क्या, व्हाट डू यू थिंक, पूनम जी कर पाएंगी ये? शी लाइक मेरी शेरनी कर दिखाएगी. तो हो जाए, ठीक है, चलो ठीक है. सो वी विल ट्राई, कम ऑन. बट यू, गिराना नहीं है मुझे. तूने सोचा गिराना, तो मैं गिरा दूंगा. बदला लेने का बेस्ट मौका है, कर दिखाओ, आ जाओ. चाहिए अब तो, ये इतनी मेहनत के बाद तो मान जाना चाहिए. कौन था ये? वंस मोर आ रहा हूं मैं. मुझे गोद में उठाओगे, आप कंधे पे बिठाओगे, हैं सोहेल भाई हमारे लिए. यस, योर माइक्स एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज द पर्सन जिन्होंने ये सारी हरकतें करवाई हैं. एंड आई एम श्योर बड़ी सारे रियल लाइफ से यू नो ऐसा इंस्पायर्ड चीजें होने वाली हैं. द कप्तान साहब, गिव इट अप फॉर नवजोत गुलाटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन. एंड इतना ही नहीं, उनके साथ हम And before I talk to your director साहब, please tell us, इतना time ऐसे लगाते हैं क्या इतनी कमाल की performance देने में? इंतजार की मतलब ऐसा घड़ियां खत्म नहीं हो रही थी? ये इससे पूछिए नवजोत से, पता नहीं इसकी मम्मी ने इसको क्या क्या अत्याचार किए हैं कि he is turned out to be, ये मम्मियाँ ऐसी होती हैं. हाँ, इस तरह होंगी है ना मम्मियाँ? मैम होता फिल्म में पता चलेगा. क्या हुआ था, कभी तो कुछ हुआ होगा ना ऐसा पाजी, कभी बचपन में जैसे? अरे पहले आप ये बताओ मेरी मम्मी का. मम्मी जगराता पे गई है तेरी. जगराते पे गई है ट्रिपल कल. हाँ ये करो सर. अच्छा कौन सा ये दिन से कौन सा चल रहा है? चलने तो कोई नहीं भाजी, बताओ ना ये क्या हुआ था ऐसा बचपन में? कौन से ऐसे हृदय में निशान आए हैं जो यहाँ पे निकाल रहे हो सारी खुंदक मम्मियों पे? मेरी खुंदक नहीं है यार. हाँ, ये तो मेरी सारी मम्मियों को ट्रिब्यूट है. इट इज, मतलब हमारे देश में और कुछ हो ना हो, एक ही चीज है जिसके लिए सब जुड़ जाते हैं, होती है माँ. राइट. तो ये फिल्म मेरे माइंड में तो एटलीस्ट वही है, पेपर भी वही है, बनी क्या है वो आप देख के बताना. इट्स अमेजिंग. ऑल आई वांट टू से इज, इससे पहले बापों को अपने खानदान की इज्जत बचाते देखा था, यहाँ पे माएं हैं जो जुट पड़ी हैं और हम उन दोनों को एक नहीं होने देंगे इस टाइप से. इट्स अमेजिंग. मैम वन मोर सवाल, ये जैसे आपने गोद में उठा लिया, ये कैसे हुआ था? ये हाउ वाज इट पॉसिबल? मम्मियों का जोश नहीं पता आपको?
अगर कुछ रोकना हो तो मम्मी एक स्वीट स्माइलिंग मम्मी से एक दुर्गा माँ बन जाती है. बिल्कुल बिल्कुल बन जाती है. तो बाहुबली बन जाती है. बाहुबली. सो जहाँ गलत हो रहा हो तो माँ के अंदर की जो ममता जागती है तो बहुत जोश आ जाता है. राइट. है ना. इनकी मम्मी तो वही है, उनको पूछ सकते हैं. अच्छा एक आखिरी चीज बता दीजिए, जैसे यहाँ आप अपने पड़ोसन से लड़ रही हैं, ऐसा रियल लाइफ में होता है कि तेरा कचरा मेरे घर में आ गया, मेरा कचरा तेरे घर में, कभी हुआ है यहाँ पे? देखिए हम सब लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं. आप समझ लीजिए ये तो एक नेबर एक एक है, बिल्डिंग में तो 100 नेबर्स होते हैं, तो क्या क्या होता होगा. I don't want to talk about it. वो problems यहाँ भी होती हैं, ये बता दूँ मैं आप लोगों को. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage the people who backed this wonderful project. And सबसे पहले वो नाम, अगर ये किसी फिल्म के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं, वो blockbuster हो ही जाती है. The rocking, the ever so amazing, Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen, come on, जोरदार तालियां हो जाएं. हमारे साथ अब उनको मैं बुलाने जा रहा हूं जिनके नाम पे ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा टी सीरीज के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, लव फिल्म्स, एंड ही इज समवन हूज गिवन अस सम ऑफ द बेस्टेस्ट यू नो ऐसा एंटरटेनिंग फिल्म्स. ही इज द वन द ओनली लव रंजन. लेडीज एंड जेंटलमैन कम ऑन जोरदार था. वी नो कि यू नो गुलशन सर की कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं और हम जानते हैं कैसे यू नो उनकी वो खुद एक विजनरी रहे हैं और अब उनके सपने को आगे लेके जा रहे हैं आप. लेकिन एक और पिलर है वो स्ट्रेंथ का, दैट्स योर मॉम. जितनी बार हमने उनको देखा है वो उनकी आंखों में वो प्राउड यू नो एक फख्र रहता है आपके लिए. हाउ डू यू सी ऑल दैट, उनके लिए क्या कहेंगे आज? सी इट्स हर जन के लिए अपने फादर और मदर की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड फ्रॉम द बिगनिंग जब से मैंने अपना बिजनेस संभाला है मूवीज़ म्यूज़िक का, मेरी मॉम ही हैं जिनको मतलब लुक अप करके, मतलब माय फादर एंड माय मदर, तो उनकी ब्लेसिंग से ही सब चीज़ दी. यहाँ पे सब लोग अभी जैसा हमने कहा कि जोर से बोलो जय मम्मी दी, सारे बोलो जय मम्मी दी, मिल के बोलो जय मम्मी दी. आवाज नहीं आई जय मन. बिल्कुल फुल तैयार है हम लोग सिनेमा घर में. क्या होने वाला है 17 को वो हम देखने के लिए. ये कैची टाइटल से लेके और इस फिल्म को बैक करने तक की ये पूरी जर्नी, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट. यार टाइटल का क्या है कि एक्चुअली नवजोत ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. अच्छा. जय माता दी. तो बहुत टाइम तक इस फिल्म को लेके डिस्कशन चल रहा था कि टाइटल क्या करना है. मैंने कहा यार तूने बनाई है, फिर हमने सोचा जय माता दी है, फिर भूषण जी हैं और थोड़ा आपने ट्रेलर में देखा होगा थोड़ी सी नॉटीनेस भी है. मैंने कहा जय माता दी टाइटल के साथ थोड़ा सा उसमें एक वेरिएशन ले आते हैं, तो इसलिए उसको जय मम्मी दी कर दिया. ऐसा नहीं लगे धार्मिक पिक्चर है. नहीं बिल्कुल. और एट द सेम टाइम वो वैल्यूज, वो मम्मी से जैसे बच्चे डरते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो है, वो प्यार है. हम लोग ना हमेशा लव स्टोरीज देखते हैं और हम देखते हैं लव स्टोरीज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े होते हैं. हाँ. लेकिन हमेशा लव स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट रियल लाइफ में बहुत बड़े नहीं होते हैं. और पहले के वक्त में आप देखिए फिल्में बनती थी, और बड़ा नाम ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ऋषिदा फिल्में बनाते थे कि एक फिल्म मुझे याद है, आई थिंक उसका नाम किसी से ना कहना था या था ऐसे ही कुछ नाम था, एंड जिसमें ये था कि उनको बहू नहीं चाहिए थी जो इंग्लिश बोलती हो. जी, जी. तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और उनकी खासियत ये थी कि वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके उसके अराउंड पूरी कहानी बनाते थे. तो नवजोत ने बड़ी खूबसूरती से ये चीज़ लिखी है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है. जी. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी की बहन को शादी के दिन छोड़ दिया है जिसकी वजह से खानदान में दुश्मनी हो गई है और 3-4 खून हो गए हैं, और ऐसा सब कुछ नहीं है. बस बेसिक सी लड़ाई है कि कूड़े वूड़े की लड़ाई हो रही है. राइट. और दो मम्मियां हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और मम्मियों की अलग पावर होती है. जी. तो उनको कौन समझाएगा. बिल्कुल. हाँ मतलब वो नेमेसिस हैं एक दूसरे की, जानी दुश्मन है. वो हम जानेंगे डायरेक्टर साहब समझा पाए अच्छे से या नहीं, लेकिन कमाल दिख रहा है जो भी दिख रहा है. अंकुर दिस वंस फॉर यू, प्लीज टेल अस कि ये जैसे लव सर ने भूषण सर ने ये फिल्म के बारे में बताया, कोलैबोरेशन के बारे में बताया, ये डायरेक्टर साहब के बारे में बताओ. फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ऐसा कितना परेशान किया लाइक? एक्चुअली नवजोत तो बहुत ही नॉन डिमांडिंग डायरेक्टर है. अरे हाँ, मतलब नवजोत ने इतना परेशान नहीं किया, मेरा जो दोस्त है यहाँ पे ये ज्यादा परेशान करता है. अपनी सारी डिमांड उनको देता हूँ ना. हाँ, कि तू इसे ये भी दे दे, तू इसे ये भी दे दे, नहीं ऐसा होना चाहिए. मैं सेंटी मैसेज मांग के भेज के सब कुछ मांग लेता. अब वो नवजोत लव के थ्रू आउट कर रहा हो तो अलग बात है. ये सब बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ. बना रहा है, आप ऐसे ही हो, छोड़ दो, छोड़ दो. आप ऐसे ही हो, हर फिल्म में ऐसे ही. ये सर्कल चल रहा है, बोला मैं उनसे मांगता हूँ ये, इनसे वो आगे.
इसने डिसाइड किया कि कुछ भी मांगना अंकुर से सीधे है ही नहीं. और ये मेरे पास भी आके ये नहीं कभी बोलता है कि ये चाहिए. ये ना हमेशा वो दुखती रग होती है ना हर इंसान की. मैं प्रोड्यूसर तो अभी बन गया हूँ, मैं हूँ तो बेसिकली डायरेक्टर. तो ये ना हमेशा बात करता है कि ऐसा करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. और वो और अच्छा ना मेरे लिए मतलब वो ऐसी वाली चीज है कि और अच्छा हो जाएगा, हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन और अच्छा हो जाएगा. उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं रह जाता ना. लव का और अच्छा तो भूषण जी और मुझसे कोई बेटर नहीं जानता. दिख रहा है वो दुखती रख पे अभी सर को, मतलब आज पहली बार ऐसा माइक की खिंचाती नहीं हुई है. हमारे प्रोड्यूसर्स के बीच जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग ड्रीम टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड यस ऑफ कोर्स इट्स नाउ टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप जैसा हम करते हैं, एंड उसके बाद वील टेक योर क्वेश्चंस. क्या बोलते हैं, बरोबर है? चले चलो. ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, देख रहे हो आप लोग एकदम. जय मम्मी जी. जय मम्मी दी टीम नू बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. दिस इज सिमरन सिंह हियर. हाँ जी. सो मेरा सवाल आपसे है सनी, आपने सोनाली के साथ प्यार का पंचनामा एंड यू हैव डन अनदर फिल्म, और अभी प्यार का पंचनामा जय मम्मी दीज है, एंड नुसरत के साथ आपने की है सोनू टीटू की स्वीटी. सो अब ये बताइए, एज अ कोस्टार कौन सी क्वालिटी है सोनाली में जो नुसरत में नहीं है, और नुसरत की ऐसी कौन सी क्वालिटी जो सोनाली में नहीं है? एक्चुअली दोनों शूट के बाद एक दूसरे से बात करती हैं, तो दोनों की क्वालिटी सेम ही है. दोनों मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी वी हैव दैट केमिस्ट्री. और सोनाली का ये है कि सोनाली अपने तरीके से करती है काम, नुसरत अपने तरीके से करती है, बट एक ग्रुप है यू नो बहुत टाइम से, तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली. तो सबकी क्वालिटीज अनोखी हैं. सोनाली मिस्टर वर्ल्ड का आंसर था. आपको खिताब मिल चुका है. बट सोनाली यू टेल मी, आप फ्रेंकली बताएंगे, आप बताइए सनी और कार्तिक के बीच में क्या फर्क है, बिकॉज सिंस यू हैव वर्क विद बोथ. अब ये पहले गाना गाएंगे फिर बताएंगे. फिल्टर लगा रही है. ये पहले जब सनी को देना था जवाब तो कितना ऐसे बोली थी ना मिस्टर वर्ल्ड का आंसर है ना वहां पे, अब खुद पे आई तो अभी देती हूं मैं आंसर. चल व्हाट्सएप कर देना सबको. सी आई मैं अगर बहुत आई मीन आई विल गिव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर कि मेरे लिए मेन डिफरेंस आई एम श्योर दे ओके आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट स्पेस. आई विल जस्ट से इट अप फ्रंट. आई एम मोर फॉन्ड ऑफ सनी, सो फॉर मी ही इज ऑलवेज बेटर टू वर्क विद बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री रिलेशन फॉन्डनेस. या सो दैट्स व्हाई. थैंक यू. हाय. हाय मैम. थैंक यू मैम. I think he'll just blush. No, he has to answer this. I think it feels so good. और मैं मतलब वैसे भी थोड़ा सा shy किस्म का हूँ, तो मैं मुझसे पूछ लो आप. देख के आपको आंसर दे सकता हूँ. हेलो हेलो. मेरा सवाल डायरेक्टर जी से है. यस मैम. आप मतलब कोई भी ना सब्जेक्ट किसी के दिमाग में तब आता है जब उसके साथ वो गुजरती है, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि आपको मम्मी की बहुत बड़ी गालियाँ पड़ी हो तो आपने फिल्म बना डाली उस पर? क्या है कि मैम मेरा वो एक वो बन गया है कि मेरी हर कहानी में ना जो भी मैंने लिखी है बनाई है या जो बनाना चाहता हूँ माँ का कैरेक्टर सेंट्रल हो ही जाता है, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ लाइफ में. इंस्पायर्ड है कि मतलब नहीं पढ़ती भी है ऑफिस की, मतलब वो तो होता ही है, डांट भी पड़ती है, बट कहीं ना कहीं वो एक फैसिनेशन हमेशा से थी कि और मैंने अपने आसपास हमेशा ये देखा था कि स्पेशली फिल्मों में जैसा कि लव ने बोला कि बापों की और फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट होते थे, तो मेरे को वो था यार कि पर लाइफ तो अलग है,
लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम मम्मी की वजह से होती है, तो वो उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता. सो दैट वॉज द सॉर्ट ऑफ जेनेसिस ऑफ द फिल्म और वट एवर हैज कम आउट. सनी जी से मेरा सवाल है कि आपको हमेशा है ना सीधे साधे भोले भाले लड़के का रोल मिलता है ज्यादातर, जिसमें सब लोग आपकी मतलब बजा के जाते तो आपको ऐसा, आप इस रोल से खुश है कि आप चाहते हैं कि कुछ आपको ऐसा थोड़ा डैशिंग टाइप दबंग टाइप रोल मिले? आई थिंक मैम ये काफ़ी रिलेट भी करता है, मतलब हर एक इंसान के अपने एक इमोशंस होते हैं जो मूवी के थ्रू आप दिखाते हो. तो जब आप कॉमेडी करते हो यू एंजॉय द स्पेस और आप हर एक तरीके का करना चाहते हो रोल, तो वो आई बीन वेरी लकी बिकॉज ऑफ लव सर जो मेरे को रोल मिले हैं और इवन जय मम्मी थी. तो आई थिंक हर एक मूवी का अपना एक अलग यू नो एक तरीका है और एक अलग कैरेक्टर है वो मैं प्ले करता हूँ. आई विल लव टू डू डिफरेंट रोल्स ऑल्सो, मतलब अब मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस करा तो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब कहीं ना कहीं लुक भी डिफरेंट है, जैसे उजड़ा चमन में भी लुक डिफरेंट है. तो वो हर एक इंसान मतलब जो पिक्चर देखने जाता है तो हर एक चीज़ तो दिखती है. तो इट्स जस्ट दैट कि इफ़ आई गेट सम एक्शन कॉमेडी आई विल डेफिनेटली डू, लाइक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम. जॉनर बता दिया सनी ने, किसी पास है तो एक्शन कॉमेडी. हाय, माय क्वेश्चन इज टू लव सर. Sunny and Sonnalli, they were here. They were part of the Panchnama series and now they are once again back with you. So how's the feeling? What changes have you seen them as actors? And my second question is to Sunny. We know here. Hi. I'm actually looking here. To your left. Hi. Here, to your left. To your right. Okay, so my question is that we know that you share a great rapport with Karthik and we have seen an amazing cameo recently in Pati Patni Aur Wo. So can we expect the same here as well? Can we expect Karthik in this film as well as a cameo? I think we'll start with love, sir. Actually, yeah. क्या हुआ कि पति पत्नी और वो का cameo जब इसने किया तब तक ये फिल्म बन चुकी थी. तो अगर मुझे पहले पता होता कि ये करने वाला है तो मैं पूछ लेता कि देख ये कर रहा है तो इसमें तू कर दे करेक्ट वो, लेकिन मौका ही नहीं आया तो नहीं, वो तो नहीं है. लेकिन सनी तूने नोट करके रख ले, तूने एक किया है, तेरे को एक कराना है आगे. मैं अभी ना? ये नोट कर लूँगा. हाँ, आगे कराना. आपने जो पहला सवाल पूछा था, सी सनी के साथ मेरी ये चौथी फिल्म है और सोनाली के साथ तीसरी फिल्म है मेरे साथ. तो आप किसी भी एक्टर की अगर बात करें तो विद फिल्म एक्टर्स बेहतर होते हैं, मतलब उनको अपना काम और बेहतर आता जाता है. तो अगर आप चेंज पूछें कि इन दोनों में क्या चेंज आया है, तो चेंज यही आया है कि इनको अपने काम की और ज़्यादा बेहतर समझ है, काम बेहतर समझते हैं. और उसके अलावा एज पीपल तो कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों ने साथ शुरुआत की थी तो आपस में तो बिहेव वैसे ही करते हैं जैसे तब करते थे. हाँ, एक्टर्स और बेहतर होते चले जा रहे हैं. पूनम मैम, योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. आपने बॉलीवुड को बहुत करीब से देखा और बहुत टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो नई जनरेशन के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है और क्या अलग लगता है नई जनरेशन के साथ? मुझे लगता नहीं मैं अलग जनरेशन के साथ कर रही हूँ. आई फील दिस जनरेशन ओनली. बिलीव मी आई एम एक्चुअली हैविंग सच फन विद देम. Sonnalli ho, Sunny ho, मतलब दिस होल टीम हैज़ बीन, मुझे दे डोंट मेक मी फील के आई एम अ सीनियर एक्टर, दे मेक मी फील वन ऑफ देम. रिस्पेक्ट पूरा देते हैं बट प्यार भी उतना देते हैं. एंड वी हैव अ ग्रेट कॉमरेडशिप इन वर्किंग टुगेदर. वी पार्टी टुगेदर ऑल्सो. या वी पार्टी टुगेदर, वी चैट टुगेदर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी कम्फर्टेबल फीलिंग विद द न्यू लॉट, एटलीस्ट द वंस आई हैव वर्कड विद. एंड आई थिंक वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम इज a different kind of discipline, punctuality, commitment to work, which earlier ek star system mein thoda sa lihaz ho jata tha stars ke liye ki jab aate hain jab chale jate hain. So this has changed a lot. There's a lot of discipline which I really enjoy and appreciate. Love sir, pyar ke panchnama se aapki bhi ek बहुत अलग इमेज बनी और सारे स्टार को भी एक अलग पहचान मिली और वो स्थिति चलती आ रही है प्यार का पंचनामा 2 भी और स्टार कास्ट भी रिपीट हो रहे हैं. तो क्या प्यार का पंचनामा 3 की उम्मीद करें हम? यार उम्मीद तो करनी चाहिए. तो क्या शुरुआत हो चुकी है सर? नहीं, शुरुआत नहीं हुई है अभी, लेकिन उम्मीद डेफिनेटली करनी चाहिए. इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी है तो उसको आगे बढ़ाएंगे. कब बढ़ाएंगे वो फ्रेंकली मैं इस वक्त नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने भी वो खुद सोचा नहीं है.
लेकिन अगर आप ये पूछें कि क्या मैंने सोचा है कि उसको आगे बढ़ाएंगे, हाँ मैंने सोचा है उसको आगे बढ़ाएंगे। भूषण सर, नए कंटेंट और नए स्टार को आप एक अलग पहचान दे रहे हैं, नए नए कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेरिमेंट करने की कुछ सोच रहे हैं आपकी, कुछ ऐसा फिल्म हट के कुछ हो, क्योंकि जो भी आ रही है रोमांटिक और कुछ अलग अलग आ रही है, तो कुछ नई एक्सपेरिमेंट की कुछ? देखिए कंटेंट, आप जिस भी तरीके के कंटेंट, अलग कंटेंट होंगे, लोगों को आज अदर कंटेंट देखने का इंटरेस्ट है, लोग देखने जाते हैं फिल्म, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, जिस तरीके का अच्छा कंटेंट, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो जैसे हमारी एक हिस्टोरिक फिल्म आ रही है जो तानाजी है, और प्लस कॉमेडी फिल्म, दिस इज़ अ कॉमेडी फिल्म, पति पत्नी और वो भी एक कॉमेडी फिल्म थी, सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो पब्लिक देखना चाहती है, वी लुक इनटू द मार्केट के क्या लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, देन वी गेट इनटू दैट फिल्म। सोनाली जी, यहाँ स्ट्रेट, लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल टुडे। My question is, I have read somewhere in one of your earliest interviews that, you know, the kind of struggles that your mom went through in her life, you know, growing up in a family without a male figure has been very inspirational. Could you talk about it, if possible? Sure, maybe a little bit. See, the story and the life that she has had and I've had, it's not possible to kind of put it in a nutshell even, but it's definitely a very inspiring one. In fact, she's right here. My real life mommy is right there. All I can say is that a lot of my strength and the fact that I'm here comes from her. And you know, hamari film hai shaadi ki permission and mother ka usme role, but not only in terms of a domesticated life or whether it's love life or all of that, but in every phase of our life, I think the role of your mother is so important, and her influence is so important that it kind of reflects everywhere in your life. Apart from that, yes, she's had her share of difficulties, but she's standing here ever so beautiful and strong, and so am I. So yeah, that's it. Yeah. Hello, good afternoon, everybody. Poonam ji, mera sawal aapse hai. This is Sandeep from Hindustan Times. You don't have to, it's okay. Okay, as long as you can hear me. All right, so what I want to ask you is, you are like forever Sony. I mean, everybody kind of remembers that character. Now, what I actually want to ask you is, how is it working with the newer lot of directors, and what all has changed in the industry, again, taking from Rahul's question for that matter? Thank you for the compliment, firstly. You're welcome. In fact, जब मुझे इस फिल्म में एक इस तरह की मम्मी प्ले करना था, तो इट्स वेरी कॉन्ट्ररी टू माई इमेज, यू नो, आई एम दिस लाउड बॉयस्ट्रस एंड एक्सट्रीमली एग्रेसिव इन प्लेसेस मदर, तो वी यूज़ टू लाफ सो मच, वी डू अ शॉट एंड देन वी हैव अ गुड लाफ एट व्हाट आई जस्ट डिड, तो आई थिंक वी आर ऑल एक्चुअली पंजाबी सिटिंग इन अ रो हियर, सो एक ये लाउडनेस थोड़ी सी इनहेरेंट है हम सब में, सो आई थिंक नवजोत इज़ अ वेरी आई वुड से माइल्ड डायरेक्टर, ही डजंट make it sound like I'm the captain of the ship everywhere and makes his thing. So I think I really appreciate that. You like a director who knows his job. At the same time, he gives you space to find your way. And when he doesn't agree with it, he'll tell you. And that I think is what the new directors are. They're fully, fully well-versed with their craft. They do their homework and come right till the shot divisions, what they're going to do. Trust me, I've also worked with directors who sat on the set and written the dialogues, कि अभी अगले सीन में ये लाइन्स होने वाली हैं या इस सीन में ये लाइन्स होने वाली हैं. सो इट्स अ ग्रेट चेंज ऑफ प्रोफेशनलिज्म विच आई सी, एंड इट्स वंडरफुल टू वर्क विद द न्यू डायरेक्टर्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद लॉट ऑफ द यंग एंड न्यू डायरेक्टर्स, एंड दैट इंक्लूड्स यू टू. आपके हिसाब से पूनम जी, आपके हिसाब से क्या एग्जैक्टली चेंज हुआ है बॉलीवुड में फ्रॉम द ईयर दैट यू वर्क्ड और यू बीन अ पार्ट ऑफ एज द मेन स्ट्रीम मेन हीरोइन टू दिस वेरी डे? यू मीन इंडस्ट्री एट लार्ज और माय एक्सपीरियंस इज नाउ प्लेइंग द मदर? नो, इंडस्ट्री एट लार्ज. इंडस्ट्री एट लार्ज आई थिंक फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है द डिजिटल इन्फ्लुएंस. आजकल हर चीज़ आप करते ही सारी दुनिया, जैसे अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है हमारे इसकी, सो दैट इंडस्ट्री हैज़ चेंज बिकॉज वी आर मार्केटिंग आवरसेल्व्स वेरी डिफरेंटली.
हमारे टाइम में हम हर चीज़ प्राइवेट रखना चाहते थे. वी डिडंट आई नेवर हैड मीडिया कम इनटू माय हाउस टू शूट माय बेडरूम फॉर एग्जांपल और फोटोग्राफ माय चिल्ड्रन. सो थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. एवरीबॉडी इज शोइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड आई वुड से मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. Digitalization in every field, in technology, the way we can do VFX effects, the way we can market ourselves, all that has changed and the world has become so reachable in every sphere. Hi, love, on your left, this is Faridun from Bollywoodagama. On your left, hi. Hi. All right, many say that you have cracked the formula for maybe commercial entertainment in terms of witty writing, you write lyrics as well, you have a very good understanding of music as well. Your dialogues in De De Pyar De, I personally felt was a big reason for maybe the success of the film and maybe the repeat value. When you are producing a film like Jai Mummy, and what is your contribution as a producer? Because ultimately, it's a collaborative art. See, honestly, when you are producing, your contribution to a film varies. Like in this case, this was a script that Navjot had written. And it wasn't a story that we developed together, or you know, he developed with me, or he came to me with a script. और वो script लेके आए थे तो वो already उतनी अच्छी script लेके आए थे कि जिसमें मतलब जो चीज़ सही हो उसको ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकताचीनी करके क्या मिलने वाला है. उसके अलावा क्योंकि हमने जब इस script पे collaborate किया, उससे पहले भी मैंने और नवजोत ने काफ़ी discussion stories पे scripts पे generally किए हैं for him as a writer. तो ये मेरा ना बहुत ही बाहर से contribution था. अगर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसने अगर कुछ पूछा तो मैंने बताया. मतलब वो इट वाज मोर अबाउट द फैक्ट दैट एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा था. मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इस बात का था कि इसने मुझे मैनिपुलेट किया कि और पैसा डालो और पैसा डालो और पैसा डालो इसको. आई वुड लाइक टू आंसर दिस बिकॉज मेरे लिए ही हैज़ बीन अ फिल्म स्कूल. जब इन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरी फिल्म बनाऊंगा, वो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था. ये मैंने बहुत कोशिश करी थी ये फिल्म बनाने की, बहुत लोगों के पास लेके गया था. मैंने फाइनली इनको जब फिल्म सुनाई तो फिल्म सुनने के सब वक्त कुछ भी रिएक्शन नहीं था, बहुत चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले. और मैं तो कॉमेडी लेके गया था और एक भी रिएक्शन नहीं. मुझे लगा आज तो पिटने वाला हूँ मैं कि मतलब यार ये फिल्म तो अब नहीं बनने वाली. तो नरेशन खत्म होने के बाद मैंने यही बोला, मारोगे क्या या जाऊँ? तो उस इन्होंने मुझे बोला रुक एक मिनट. ये अंदर गए और चेक लेकर आए, मेरे हाथ में दे दिया बिना किसी पेपर वर्क के, जो यहाँ पे कोई नहीं करता है, और बोला ये पिक्चर मैं बना रहा हूँ, आज से ये पिक्चर मेरी हुई. सो सिंस देन ही एंड द एंटायर टीम एट लव फिल्म्स, दे हैव बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. दे हैव बीन हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी इन मेकिंग श्योर कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी उसको जस्टिस मिले. तो मैनिपुलेशंस मैंने काफ़ी करी हैं, बहुत सेंटी मैसेजेस भी भेजे हैं, पर होपफुली रिजल्ट ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ वर्थ इट था. So yeah, to sum up your question, his contribution has been immense and at every step, and he has never imposed himself. It has always been me who goes to him ki yaar ye aise kare kya, and he has always come up with a better suggestion and made the script or the film better. So main aisa koi miss world wala answer nahi de raha hu, ye actually mein hua hai. Yaar main kya check kar raha na ki I want to complete this. See, ye koi acche jawab dene isliye nahi baat hai, main iski jagah reh chuka hu. राइट right. तो और कुमार जी और अभिषेक जिन्होंने मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था. मतलब मैं जो डायरेक्टर हूँ वो शायद इसलिए बन पाया क्योंकि उन्होंने बनने दिया. उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं या कभी अपने आप को मुझ पर इम्पोज नहीं किया. तो होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ लेके मैं चल रहा था कि देखिए कुछ चीज़ें वो सही करेगा, कुछ चीज़ें वो गलत करेंगे, राइट right? लेकिन अ डायरेक्टर नीड्स टू फाइंड हिज ओन वॉइस. अगर मैं एक पॉइंट के बियॉन्ड हर चीज़ में घुसता चला जाऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. फिर मुझे प्रोड्यूस करना नहीं चाहिए, फिर मुझे सिर्फ डायरेक्ट करनी चाहिए और अपनी फिल्में डायरेक्ट करनी चाहिए. बट टू बी अ प्रोड्यूसर यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स इवेंचुअली अ डायरेक्टर्स मीडियम, इट नीड्स टू स्टे अ डायरेक्टर्स मीडियम. और वो फिल्म इवेंचुअली उस पर सिग्नेचर डायरेक्टर का होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो फिर आप प्रोड्यूसर सही नहीं है. भूषण जी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कबीर सिंह और फिर उसके बाद पति पत्नी, वो बैक टू बैक आप हिट्स दे रहे हैं, तो हाउ डू यू चूज स्क्रिप्ट्स एंड व्हाट आर योर क्रिएटिव इनपुट्स इन द फिल्म? सी व्हेनेवर वी आर चूजिंग एनी स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली वी सी द डिफरेंट जॉनर्स ऑफ द फिल्म्स, व्हिच लाइक कबीर सिंह वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमेडीज व्हिच वी आर डूइंग.
एंड लकीली हमें एज अ प्रोडक्शन हाउस जो हम स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो देर इज़ नो एनी USP ऐसी कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप सोच समझ के चीज़ें आप कर सकते हैं बट यू हैव टू गो विद द ऑडियंस कि ऑडियंस उस दौरान कौन सी चीज़ें पसंद कर रही है. हेलो क्वेश्चन सनी सिंह और सोनाली से है कि जैसे प्यार का पंचनामा में हमने आपकी केमिस्ट्री को पसंद किया और फिर से जय मम्मी दी में तो मैं मुझे जानना है कि बैक टू बैक हम आपको आगे भी देख सकते हैं क्या फिल्म्स करते हुए साथ में क्योंकि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन. आगे मतलब अगर होगा तो ज़रूर मैं काम साथ में करेंगे हम पर अभी तक नहीं पता. पिक्चर चलवा दो तो सीक्वल बना लेंगे आइडिया है मेरे. हेलो सरिता सिंह फ्रॉम फीफा फूस. सबसे पहले तो मैं मेकर्स को बधाई देना चाहूँगी कि फिल्मों में जो एंटरटेनमेंट का एक बस्टर होता है छोटा सा हिस्सा होता है उसको मेन प्लॉट बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत यूनिक है. मम्मियों को कहानी का मुख्य हिस्सा बनाए मम्मियाँ हमेशा साइड रोल प्ले करती हैं तो मुझे लगता है मज़ा आएगा फिल्म देखने में. इंतज़ार है मुझे. इसके अलावा एक लाइन यहाँ पर डिस्कस हुई कि मम्मियों से ही ज़िंदगी में ड्रामा होता है और मम्मियाँ ही घर में परेशानियाँ लाती हैं और मैं ये अपने घर में अड़ोस पड़ोस के घर में देख चुकी हूँ कि अगर मम्मियाँ ना हो तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए ही ना जिनको वो सुलझाती हैं तो इस बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. नहीं ऐसा नहीं है ये आपने गलत समझ लिया है. ये एक महिला पूछ रही है. मेरा सवाल देखो घर में कुछ भी अच्छा होता है वो माँ की वजह से होता है. कोई बहुत बड़ी विपदा आती है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी माँ ही लाती है. बट माँ का दिल थोड़ा कोमल और थोड़ा चंचल होता है तो कभी कभी माँ को अगर कोई चीज अच्छी ना लगे तो आपको आपने देख ही लिया क्या होता है. तो ऐसा कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है. यहाँ पे सब माँ को पसंद करते हैं. वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स भी माँ ही क्रिएट करती है. जैसे मेरी फिल्म में माँ ने मैं ये नहीं बोल सकता मेरी मम्मी मारेंगी मुझे. अंकुर योर सेंटर. अंकुर मेरा सवाल आपसे ये था कि इधर योर राइट. मेरा सवाल ये था कि ट्रेलर तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है बट आपका जो एक्सपीरियंस रहा टी सीरीज के साथ और लव फिल्म्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था उसमें. एक्चुअली टी सीरीज के साथ एक्सपीरियंस तो आप इसी बात से जान सकते हो कि हमारी सारी पिक्चरें जो रही हैं वो टी सीरीज के साथ ही बन रही हैं. हमारा पहला सोलो प्रोडक्शन सोनू के डी2 की स्वीटी टी सीरीज के साथ था. दे दे प्यार दे ये इसके आगे मलंग. सो हमारा मोरल इस पूरा लाइनअप हम साथ ही कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो भूषण जी के साथ बहुत ही ज़्यादा. इनफैक्ट मतलब टी सीरीज फॉर अस इज़ लाइक फैमिली चाहे वो विनोद हो शिव हो मतलब एवरी वन इज़ वेरी कम्फर्टेबल वर्किंग विद ऑल ऑफ देम. बाकी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये है मैं क्रिएटिव से दूर रहता हूँ. मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान देता हूँ बाकी क्रिएटिव मेरा दोस्त देख लेता है. पैसे के बगैर स्मूथली पिक्चर बन ही नहीं सकती एंड आई मस्ट से हियर दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शंस आई हैव वर्कड विद ट्रूली आई ऑलवेज से दैट. ये क्वेश्चन घूम घूम कर आ लो मैं मम्मी से शिकायत करूंगा तुम्हारी. पूछो सोनाली से मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सिंस यू आर अ मामाज गर्ल सो हाउ मच हैज इट हेल्प यू इन योर कैरेक्टर. मतलब जो पूनम जी के साथ जो आपकी केमिस्ट्री है हाउ मच दैट हैज हेल्प्ड यू मतलब जब आपका कैरेक्टर हुआ. आई लाइक दैट टर्म मामाज गर्ल. ओके मम्मा आई एम मामाज गर्ल नाउ यू नो इट. एक्चुअली अ लॉट इन फैक्ट आई एम कंप्लीटली मामाज गर्ल एंड आई रिस्पेक्ट everyone's mothers. the one thing was that the film is called Jai Mammi Di, so obviously mummy hai film mein. Maine Navjot se sirf ye pucha tha script mein mummy tha aur ye bhi apni maa ko mummy bulata hai aur main bhi mummy bulati thi. I said I would like to bring something from my own life which is main mamma bulaungi. So I call Poonam ji mamma in the film. That is something that I do in real life and I think it's also very Delhi thing because we're from the north. So वो मैंने रियल लाइफ से लिया. बाकी तो सब इजी था बिकॉज मैं अपनी मम्मा की सारी बातें सुनती हूँ. फिल्म में भी मैंने आपकी सारी बातें सुनी है. सो आई वाज अ गुड गर्ल जस्ट सामने सामने से सब कुछ सुना है पीछे क्या चल रहा है बना ना. जी रवि सर आखिरी सवाल. हाय लव दिस इज रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज. सर आपने एक आध साल पहले अनाउंस की थी फिल्म रणवीर कपूर और अजय देवगन के साथ और बाद में खबर आई थी कि दीपिका भी ज्वाइन करने वाली. उस फिल्म के फ्रंट पे क्या हो रहा है क्या वो शेल्फ हो गई या पोस्टपोन कर दी गई है कुछ बता सकते हैं अगर आप. सर देखिए मैं बताऊँगा सिर्फ इतना कि शेल्फ नहीं हुई है क्योंकि उस पर काम चल रहा है बनेगी और उसके बारे में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट मैं करूँगा. आज जय मम्मी दी की बात करते हैं उसकी जिस दिन बात करूंगा अनाउंसमेंट हो चुकी होगी उसके बाद फिर उसकी बात करूंगा. पूनम जी दिस इज हीना कुमावत. मैं जानना चाहूंगी कि फिल्म की जो मम्मी है असली जिंदगी में भी आप तो उसमें से कितनी चीजें सिमिलर हैं फिल्म की मम्मी में
और रियल लाइफ के बेटे को संभालना ज़्यादा आसान है अनमोल को या इनको? Oh my God, that's a dicey question. देखिए, as any mummy will tell you, जितने भी आपके बच्चे अच्छे हों, you may say they are the best children in the world, तंग तो फिर भी करते हैं, right? And there's always this balance कि आप as your mother अपनी authority, do you want to show your authority or you want to let that individuality come out? So you know you have to balance the two. Somewhere you have to realize कि अब ये भी बड़ा हो रहा है, इसकी खुद की ख्वाहिश है, and at his age he is allowed to have his own decisions. So somewhere that seesaw always continues, that I feel I'm right and I can't let them make mistakes, but at the same time they have a right to choice. So ये दुविधा हमेशा चलती है, which I think all mothers must be facing. You've been a mainstream female lead in the 70s and the 80s, and you've had a very glorious career as an actor. But female actors, after a bit, they have a very short shelf life. You know, we are seeing you also in a film like this after a very long time. What do you have to say about female actors' shelf life now? Well, I think things have changed. I started my career at 16, and by 26, I was almost, the moment I got married, I thought I was like now quitting films. I did continue doing films, but today I'm seeing the heroines come into the industry at maybe 26, they work till 40 plus, and that taboo, ke ek married lady kaam nahi kar sakti, ek married heroine nahi kar sakti, fortunately has gone out of the window. Because they keep themselves fit, they look gorgeous, glamorous. Just because she's married, it doesn't matter. I mean, in Hollywood, we say women get married 5 times and they're still the heroines. Yahan to hamari bechari heroine ek shaadi kare to isko out kar dete hain. And second thing I would say that I've been saying no to a lot of films because somewhere I couldn't get myself to do ek side pe khadi maa bol rahi nahi beta aisa nahi kar sakte. I just couldn't get myself to do that. So I was very happy to receive a juicy role of a mother. And not only mother, I think a woman of substance of any age, any kind of positioning, I'd be very happy to do, but I would like good roles. So that's why I must thank Love and Navjot both for thinking of me for this role. And I hope after this people, of course, isme sweet and meethi nahi hu, thodi si tikhi churi bhi hu, but it's good fun doing a character which has so many dimensions. Thank you so much, ladies and gentlemen. Jai Mammi Di ke liye zordar taaliyan ho jaye. And now, would like to invite on stage two very important people. Sabse pehle, President, Marketing, Media and Publishing, Mr. Vinod Bhanushali from T-Series, ladies and gentlemen. Of course, Mr. Shiv Chanana, Senior VP Films. He was supposed to be here. Unfortunately, he could not make it to this place abhi. Toh unke liye bhi zordar taaliyan ho jaye. And ek baar is puri dream team ke liye zordar taaliyan. Come on, ladies and gentlemen. 17 Jan is when we'll go and watch this movie, Jai Mammi Di.